तो भाई ये वीडियो 9th 10th वाले पूरा देखना, जो आगे जाके 10th बोर्ड देंगे। तो देखो यार, मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था और मुझे ये वीडियो दिखी जिसका टॉपिक था माय 10th रिजल्ट। तो यार, अगर तुम 10th क्लास में होगे तो तुम इनको तो जानते होंगे। इनके चैनल का नाम है लर्न विद मधु, जिसमें 70,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। और भाई ये वन शॉट वीडियोस बनाती थी हर चैप्टर के, हर टॉपिक। और हाँ, यही नहीं, ये भी क्लास 10th की लड़की थी जो कि क्लास 10th को ही पढ़ाती। मतलब अगर तुम क्लास 10th में होगे, क्लास 10th को पढ़ाते हो, तो मतलब इससे ज़्यादा टॉपर इंसान तो और कोई हो ही नहीं सकता ना भाई। और भाई मैं झूठ नहीं बोलूँ तो टर्म 2 में मैं खुद इनके वन शॉट देख के गया हूँ। टर्म 2 नहीं, मैं इनको टर्म 1 से देखते आ रहा। अगर आप इनके चैनल में जाके मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में देखोगे तो भाई तुम्हें हर एक चैप्टर की वीडियो मिलेगी, हर एक चैप्टर का वन शॉट भी देखेगा। और सब में 2 लाख 1 लाख व्यूज तो है ही, हर चैप्टर हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सब है। तो जब ये वीडियो मुझे सजेस्ट हुई तो मैंने बोला भाई ये तो टॉपर इंसान है, इनके तो 95 के ऊपर ही आए होंगे, क्योंकि टर्म 1 में तो भाई इनके मार्क्स, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। दिस इज माय स्कोर। तो मैथ्स में मेरे 38 मार्क्स आए, एंड इन साइंस आई स्कोर 40 मार्क्स, देन इन एसएसटी आई स्कोर 39 मार्क्स, देन इन इंग्लिश आई स्कोर 37 मार्क्स, और हिंदी में भी 37 मार्क्स। ओके, सो ये मेरा टर्म 1 का। तो भाई ये थे मधु के टर्म 1 के मार्क्स, और अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो पूरे बन रहे 95.5%, जो कि हम जैसे बैकवेंचर की औकात से बाहर है। पर 95.5% लाके भी दीदी क्या बोलती है वो सुन। मैं भी अपने मार्क्स से बिल्कुल सैटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि मेरे भी काफी मार्क्स कटे हैं, मुझे भी अपने आप को बहुत इंप्रूव। मतलब 95.5 लागे की भी दीदी खुश नहीं है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट है। तो जब मुझे ये वीडियो सजेस्ट हुई तो मैंने इसको जब ओपन करा तो ये देखो ये हुआ। हाय फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपने क्लास 10th के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए, कि मैंने क्लास 10th में क्या क्या मिस्टेक्स करी जो आपको नहीं करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं पिछले साल क्लास 10th में थी, एंड कल हमारे क्लास 10th का रिजल्ट आया है। सो मैंने क्लास 10th में 88.6% स्कोर किए। हो गया ना शौक भाई, मैं खुद शौक पढ़ाऊँ, मतलब मैं इसकी वीडियो देख के पढ़ाऊँ। और भाई इसके तो टर्म 1 में 95.5 थे, तो भाई टर्म 2 में कैसे है भाई, हाउ इट इज पॉसिबल ब्रो। मतलब इसकी वीडियो देखने के पहले मैंने पहले ही सोच लिया था भाई इसके मतलब 95 ऐसे ही कुछ बने होंगे, 90 के ऊपर तो बनने ही है, ये तो टॉपर है। मतलब ये एग्जाम के टाइम हमें पढ़ा रही थी, हमें मतलब खुद 10th में होके हमें पढ़ा रही थी, 10th वालों को लाइव चला रही थी। मतलब कल एग्जाम है और आज इसकी लाइव चल रही है। भाई मैं तो सोचता था कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट है भाई, मतलब कल इसका खुद का पेपर है और ये हमें पढ़ा रही है, इनने तो सब 1-2 महीने पहले ही पढ़ के सर लिया होगा। तो अब मधु के इतने कम परसेंट क्यों आए वो तुम उसके ही मुंह से सुन लो। एंड मेरा ये जो स्कोर है ये मेरे एक्सपेक्टेशंस और आप सभी के एक्सपेक्टेशन से काफी कम था। एंड कल जब ये रिजल्ट आया, कल तो मैं इतनी दुखी थी, इतनी सैड थी कि कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, मेरा बिल्कुल भी बात करने का मन ही नहीं कर रहा था। मेन रीजन या मेन गलती जो मैंने करी, जिस वजह से मेरा स्कोर इतना कम आया, इट वॉज कि मैंने रिटन प्रैक्टिस बहुत कम करी। जिस वजह से मैं अपने एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाई, एंड इस वजह से मेरे काफी सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन छूट गए थे, एंड दैट्स व्हाई माय परसेंटेज इज सो लो। तो मधु बोल रही है कि उसने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी थी, जिससे उसके एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट ठीक से हो नहीं पाया और उसके बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए। तो देखो यार, बोर्ड में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पर मैं यहाँ बता दूं कि दीदी की एक और गलती थी, जो कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस था। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं तो मतलब लोगों को पढ़ा रही हूं, तो मैं तो मतलब टॉपर हूं। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस के मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके ओवर कॉन्फिडेंस वजह से उनके परसेंटेज में इतना ढलान आ गया। भाई मैं खुद ही शौक था, मतलब मैं उसके वन शॉट देख के गया था और मेरे उससे ज्यादा परसेंटेज आए, बस कि मेरे में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था पर दीदी में था। तो भाई ये गलती तुम लोग मत करना, दीदी बन रही थी ओवर स्मार्ट, वो सोच रही थी उनको सब आता है और उनके लग गए। इसमें मैं उनको हेट नहीं दे रहा, पर जो मेरे से छोटे भाई बहन लोग हो, तुम लोग भाई इससे देख लो सच्चाई जो है। और हाँ, तुमने मजे में निकाले होंगे 8th 9th, लेकिन भाई 10th बोर्ड है, अच्छे से हिसाब से पढ़ना, बोर्ड्स को हल्के में मत लेना। भाई अगर हमारे स्कूल की बात करें, अगर तो जिनके टर्म 1 में 80, 85, 90 के आसपास थे, वो अभी 70-80 के लाइन में है, क्योंकि वो टर्म 1 में 80-90 लाने के बाद अपने आप को भगवान समझने लगे। अभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है, जो कि वो नहीं है। भाई तुम इंसान हो तो इंसान जैसे रहो, भगवान बनने की कोशिश मत। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? मत करो, भगवान को अपना काम करने दो। मतलब अभी तो मैं ऐसे बंदे देख रहा हूँ जिनके टर्म 1 में 80-90 थे और टर्म 2 में उनके आ रहे हैं 60-70, जो कि खुद हमें झूठ बोल रहे हैं कि हमारे 80 आ रहे हैं। लेकिन जब क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन वाली लिस्ट आई क्लास 11th की, उसमें सबके परसेंट दिख रहे थे, तो सबकी औकात पता चल गई। आपकी औकात बता रहा हूँ सर,
बुरा नहीं मानना सर। भाई देखो टेंथ बोर्ड उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। अगर मुझ जैसा 90 मार सकता है एक मंथ पढ़ के तो तुम्हारे पास तो अभी बहुत टाइम है। बस बढ़िया से मेहनत करो, आ जाएंगे तुम्हारे। बस वही है ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्टनेस। अगर तुम 9 में टॉप मार रखे हो तो वो चीज यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि बोर्ड में तुम्हें ना पता कि कौन सा क्वेश्चन आ जाए, ना मुझे ना पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए, ना बोर्ड वालों को खुद को नहीं पता रहता, वो सब अनएक्सपेक्टेड रहता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञान बांटने लगा हूँ, और हाँ मेरी एजुकेशनल कैटेगरी नहीं है, अगले बार से ऐसी वीडियो नहीं आएगी, तो डरो मत यार भाई, मैं मतलब बहुत ज्ञान बांटने लगा हूँ, पर ये बताना भी जरूरी था। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय 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 भाई। Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only